क्या हो रहा है जयराज? ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अरे घर में शोक का माहौल है और उसने शोर मचा रखा है। बाबा इसकी बात मत सुनिए, इसने मेरे मृत्युंजय को मार डाला और मुझे पता है दादाजी को भी इसने ही मारा है। बाबा मेरे सामने ये मृत्युंजय को घसीटते हुए लेके और सूली पर चढ़ाकर उसे फांसी दे दी। जब इस दरिंदे का इतने से भी मन नहीं भरा तो इसने अपने किन्नरों की फौज से मेरे मृत्युंजय पर बरस पड़े। बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। एक शब्द भी और बोला ना आप मेरे पति के खिलाफ, भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। इल्जाम लगाती है जबकि पूरी दुनिया जानती है कि तेरे पति की मौत गाड़ी के खाई में गिरने से हुई थी। रही बात दादाजी की, उनकी तबीयत तो काफी दिनों से खराब रह रही, बेचारे नींद नहीं चल पसे और तू इन दोनों मौतों का इल्जाम मेरे पति के सर मर रही है। औकात में रह लड़की, समझी? औकात में रह के बात कर। एक अनाथ मुजरिम की बीवी है तू। नौकरानी बनने के काबिल फिर भी इस घर ने तुझे प्यार दिया, इज्जत दी और तू इसी घर के इतने बड़े सदस्य पे इल्जाम लगा रही है। काट के रख दूंगी तेरी ये उंगली, साथ ही में तेरी जबान भी। तरस आ रहा मुझे तुझ पर, तरस आ रहा कि तूने इस रुद्र प्रताप से शादी की। तुझे तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि तूने कितनी बड़ी गलती की। और इसके बीवी कहलाने से अच्छा तो विधवा सही। और तू
तुझे तो मैं मारूंगी। तारा बहू, ये क्या पागलपन है? भाई साहब भला क्यों मारना चाहेंगे मृत्युंजय दादाजी को? मृत्युंजय की मौत का सदमा तुम्हें इतना लगा कि तुम ये भी भूल गई कि तुम क्या कह रही हो? पापा समझ तो आप नहीं रहे कि वो दरिंदा है जो धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार को खत्म करता जा रहा है। मेरी बात का यकीन करिए पापा, इसने इसने मेरे मृत्युंजय को मारा है, आपके बेटे को मारा है। मैं अपने मृत्युंजय की कसम, अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। राक्षस को सजा दीजिए बाबा, इसके पहले कि हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दे। बस तारा बहू बस, अगर आपके मन में हमारे प्रति इतनी ही नफरत है तो खत्म कर दीजिए आज इस किस्से को। हम नहीं जी सकते अपने घर की बहू के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखते। हम नहीं जी सकते, नहीं नहीं जी सकते। या अल्लाह रहम कर, रहम कर। ये तो तारा बहू, मार दो हमें गोली और निकाल दो अपने दिल की नफरत। भाई साहब ये आप तारा बहू बात सुनिए हमारी, चलाइए गोली तारा बहू। आप सब पीछे हटिए, ये हमारे और तारे बहू के बीच का मामला है। इल्जाम हम पर लगाए गए हैं। बहू आपकी बातें इतना अजीब हैं, कोई चाह कर भी उन पर यकीन नहीं कर सकता। तुम कहती हो कि हमने तुम्हारे पति का अपहरण कराया, तुम कहती हो कि हमने तुम्हारे पति को सूली पर लटकाया, तुम कहती हो कि हमने उसकी लाश पर पत्थर बरसवाए, तुम तो यह भी कहती हो कि हमने अपने पिताजी को मरवा दिया, मरवा दिया। चलाओ ना गोली, हम तो शैतान हैं, हमें मर जाना चाहिए। चलाओ गोली, आज हमने मृत्युंजय को मारा है, हम तो अपने भाई को मार दे, परसों उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। शायद उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से, जैसे हमने मृत्युंजय को मारा था। चलाओ ना गोली, मारो हमें। तारा तारा गन गन नीचे रख, गन नीचे रख तारा, पिस्तौल नीचे मारो। तारा तारा बहू नहीं नहीं, मार दो हमें, चलाओ गोली, मार दीजिए हमें। भाई साहब, ओ
छोड़ दीजिए होश में। मेरी तारा को इतनी शक्ति देना भगवान कि वो अपने हर दुख का सामना कर सके, अपनी सच्चाई साबित कर सके, मीठी और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। तारा की माँ आज मेरा सहारा है, पर फिर भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ कि तारा ने मेरे साथ कितना गलत किया है। मुझे सही और गलत पहचानने की शक्ति दो भगवान। तारा के लिए मांग रहा हूँ भगवान, मैं जानता हूँ तारा कभी कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकती, बस कुछ ऐसा करो भगवान कि बाकी के लोग भी उस पर भरोसा करने लगे। मनु उसे मुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस को बुला और इसको अंदर करो, फोन करो। पुलिस को बुलाएगी ना तो बुला ले नंदू, क्योंकि मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। एक पापी को उसके किए की सजा दी। तारा भाई, इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस बार भी आप पर तरस खाएंगे? नहीं, अब आपको पुलिस के हवाले अभी इसी वक्त करवाएंगे। नहीं जरूर। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लाख लाख शुक्रिया कि आप बिल्कुल ठीक है। किसी भी सजी का बोली बस हाथ को छू के निकल गई है। इसकी इस गलती के लिए मैं सबसे माफी तो नहीं मांग सकती, पर इसे पुलिस में जरूर दिया जाएगा। हिम्मत तो देखो इसकी, आप पर गोली चलाती है। दो इस हथियारन को पुलिस में। नहीं नंदिनी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तारा ने जो कुछ भी किया अपने पति की मौत के सदमे में किया, कुछ भी हो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, और वो जेल जाए या मैं कतई गवारा नहीं। सुना तुमने, ये है हमारे भाई साहब। इंसानियत की मिसाल है हमारे भाई साहब। आप उन्हीं पर गंदा इल्जाम लगा रहे थे। आपको क्या लगता है तारा भाव की बेटी जी के मौत का हमें गम नहीं? अगर आपने अपना पति खोया तो हमने भी अपना बेटा खोया। भाई साहब ने अपना भतीजा खोया, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, एक दूसरे पर गोलियां चलाए। घर ने एक ही दिन में दो दो मौतें देखी। तू कौर मत बुलाई, शमशान घाट जाना है पिताजी का अंतिम संस्कार के लिए। और मृत्युंजय का अंतिम संस्कार? पुलिस को अभी तक उसका शरीर नहीं मिला। उसका शरीर है पापा, क्योंकि उसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई। तो जाए हम आप
अब हाथ जोड़ते हैं आपके साथ। जी का अंतिम संस्कार के बाद इस घर में पूजा पाठ हो, इस घर की शांति के लिए। पर भाई साहब के हाथों ही मृत्युंजय और पिताजी के आत्मा की शांति के लिए पूजा हो, आप भी जरूर शामिल होंगे। जिसने मेरे पति का खून किया उस खूनी के हाथों की जाने वाली पूजा में मुझे शामिल नहीं। पास वाली घाटी में मृत्युंजय का अंतिम संस्कार होगा। जिसको भी आना हो आ सकता है। सब तारा बहू जब इतने विश्वास के साथ कह रही है कि मृत्युंजय का मृत शरीर है तो मैं एक बार जाकर देख लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं तारा कितना झूठ बोलती है। वक्त पर बात करने से कोई फायदा नहीं। अरे अरे जाना है तो जाओ, हम तो अपने अंतिम संस्कार करके आए हैं। हमारे लिए हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण। ओम धर्मराजाय नमः, ओम रत्वे नमः, ओम अनंतकाय नमो नमः। बेटा अंतिम संस्कार शुरू करें। थोड़ी देर और रुक जाइए पंडित जी, पहले इनके परिवार वाले भी आ जाए। आंगतो अभियास मरेत पुनरीकाख्यं ब्रह्मा वेंतरा शुचि। याद है जब तुम्हें इस कमरे के बारे में पता चला था पापा, तुम कितना बौखला गए थे। मैं जैसी थी वैसा मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया पापा? हमेशा मुझे दुत्कारते रहे। क्या हुआ उससे? मैं और बुरी बनती गई, और बुरी बनती गई। और आज देखो आपकी तबीयत ठीक हो रही है, सबके सामने कुछ भी बोलने लग गए हो। मैं आपको गायब तो नहीं कर सकती ना, तो इस बार मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा त्रायमान परेशान सर्व पाप हरा भव। आइए रूप राम जी, आप घर के बड़े बेटे हैं, सीता को अग्नि आपको ही देनी है, आइए। बड़ा बेटा, आपका अंतिम संस्कार आपका बेटा नहीं आपकी बेटी कर रही है। पूछे पिताजी, आपकी बेटी कलावती, अगर आपने पहले ही मुझे कबूल कर लिया होता, इतना दुख इतना दर्द ना दिया होता तो आज आप जिंदा होते ना पापा। चौगड़िया बदलने वाली है बेटा, मूल नक्षत्र लग जाएगा फिर अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। ऐसा करो बेटा, तुम ही अंतिम संस्कार करो। Thank you.
खबर मिली है कि भोपाल सेंट्रल जेल से जो कैदी जेल की वैन लेकर भागे थे वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में सभी कैदियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का नाम है शेखर, नईम, फिजा और मृत्युंजय शेखावत। बेटा जल्दी से तारा के ससुराल में फोन लगा, पता तो चले ये सच है अफवाह। हेलो हेलो जी, घर पे कोई है? आपको किससे बात करनी है? चेहराज अंकल, तारा या निर्मला जी, कोई तो होगा घर पे? जी घर पे कोई नहीं है, सब शमशान भूमि गए हैं। क्या हुआ? नौकर ने फोन उठाया था और बोला कि सब लोग शमशान गए। चलो हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए, पता नहीं तारा पर क्या बीत रही होगी। चल बेटा Thank you.
बेटा तारा कहाँ है? मृत्युंजय का दाह संस्कार हो रहा है और उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही। यहाँ संस्कार आपकी बेटी के पति मृत्युंजय का नहीं बल्कि रुद्र जी के पिताजी का, बल्कि रुद्र जी के पिताजी का। उनकी मृत्यु कब हुई और ये सब? मृत्युंजय का दाह संस्कार कहाँ हो रहा है? हमें क्या पता, हो रहा होगा कहीं। हमारे पूरे परिवार को तारा और मृत्युंजय से कोई मतलब नहीं है। बहुत बदनामी हुई है हमारे पूरे परिवार की उन दोनों की वजह से, और ऊपर से सोने पे सुहागा, आपकी लाडली बेटी मेरे पति रुद्र जी पे गोली चलाती है। मर चुकी है वो हम सबके लिए। घटिया काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है, केले पड़ जाते हैं वो लोग। आज जैसे तारा के लिए जय का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय पाने वाला। तेरे पति ने इस नाम का सत्यानाश कर दिया, मर गया मनहूस। मृत्युंजय नाम तो हमारा होना चाहिए था, देखा नहीं कैसे दगा दिया गोली। तुझे क्या लगा गोली तूने चलाई थी? अरे गोली मैंने तुझसे चलवाई थी। तुझे इतना उकसाया कि तूने जोश में आके घोड़ा दबा दिया और गोलियां सारी नकली, और उसके बाद हाथ दबा के फिर सारा खून निकल दिया। देख ऐसे, और खून भी नकली पर एक बात तो माननी पड़ेगी, एक्टिंग मैंने बहुत अच्छी की थी। इस साल एक्टिंग के सारे अवार्ड मुझे मिलेंगे। हाँ, अरे एक अवार्ड और भी तो मिलेगा अपना वादा निभाने का। मैंने कहा था ना तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, देख तेरी जिंदगी नरक बन गई। मैंने कहा था कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, किसी ने तेरी बात में यकीन नहीं किया। देख डायरेक्ट सैटेलाइट से भविष्यवाणी हो रही है। तू एकदम अकेली खड़ी है, कोई तेरे आसपास नहीं है। हाँ, देख सचमुच तू अकेली खड़ी है, कोई तेरे आसपास नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। चलो बाही गई हूँ तो मैं भी मृत्युंजय की चिता पर थोड़ा चंदन चढ़ा देती हूँ। ये पास भी मत जाना रुद्र कलावती शिखावत। हाय हाय, अग्नि जल गई पर बल नहीं गया। अब सारी रात यहीं खड़ी खड़ी हाथ तापेगी क्या? सही कहा था, बल नहीं गया और बल जाएगा फिर। तूने बहुत सारे वादे किए और निभाए, आज मैं तुझसे एक वादा करती, ध्यान से सुन। अपने पति की चिता की आगे कसम खाते खाते कि जब तक कलावती को उसके किए की सजा नहीं मिलती, अपने पति की अस्थि गंगा में नहीं डालना। एक वादा और कि तेरा आने वाला हर दिन मौत से भी पत्थर बना तुझे चाहे जो भी दिखे, पर जहां मैं खड़ी वहां से मुझे एक राक्षस
का अंक का अंक का बहुत जल्द जल्द जल्द